छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर महादेव ऐप का जिन्न बाहर आया है। महादेव ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नाम पर रविवार को एफआईआर दर्ज भी की गई। इस एफआईआर को लेकर भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि लोकसभा की चुनाव डेट घोषित हो चुकी है, राजनांदगांव से कांग्रेस ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। ये चर्चा मीडिया में पहले से ही शुरू हो गई थी। इस बीच महादेव ऐप का जिन्न बाहर आया, ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया है जिसमें मेरा भी नाम है। 4 मार्च को एफआईआर की कॉपी और 17 मार्च को प्रकाशित किया गया। इतने दिनों तक ये क्या कर रहे थे? ये राजनीतिक एफआईआर है, दबाव पूर्वक मेरा नाम एफआईआर में डाला गया है। सभी पत्रकार साथियों का आज की पत्रकार वार्ता में स्वागत। लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं, कौन से चरण में कौन से लोकसभा के चुनाव होंगे ये भी तिथि तय हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये चर्चा मीडिया में बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी कि भूपेश बघेल को लोकसभा राजनांदगांव से लड़ाया जाएगा। इसी बीच में फिर से महादेव एक का जिन बाहर आया। सामान्य सी बात है, यदि थाने में या फिर ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज हो तो उसी दिन उसको अपने वेबसाइट में उसे डाल दिया जाए। एफआईआर की कॉपी आप देखेंगे, ये 4 मार्च एफआईआर की कॉपी है, इसमें 4 मार्च लिखा गया है और आज रविवार के दिन 17 तारीख को दिल्ली से इसे प्रकाशित किया जाता है। और इसमें 1000 से अधिक खाते सीज की गए, 200 से अधिक एटीएम कार्ड जब्त किए गए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ उनके कोई हेड ऑफिस नहीं है, ये संचालित कहीं और से होता है। इस बीच में रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी हमने जारी किया। ये विदेश में थे, इसको पकड़ के लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी, उन्होंने पकड़ा नहीं, बल्कि चुनाव आते आते इसमें कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए शुभम सोनी का एंट्री होता है। अभी तक उसके पहले तक के तो यही था कि रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर दो ही उसके डायरेक्टर हैं, लेकिन अचानक शुभम सोनी आते हैं और उन्होंने एक वीडियो जारी करता है जो भाजपा के कार्यालय से जारी होता है, ईडी कार्यालय से नहीं। और इसी बीच में आपने देखा होगा असीम दास नाम का व्यक्ति दुबई जाता है, वापस रायपुर आने के बाद किसी होटल में उसे पकड़ा जाता है। मोदी की गारंटी विष्णु की सुशासन, महादेव ऐप चल रहा है साय साय, आज इसके संरक्षण में सब कुछ चल रहा है। जिस प्रकार से अभी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने अपने वेबसाइट में जिन नामों का जो सूची जारी की गई, 14 ऐसे कंपनी हैं जहां ईडी आईटी के जांच के बाद सत्ता पक्ष के खाते में पैसा डाला गया। देखिए, सीधी बात यह है कि जो सूची है उसमें मेरा नाम डाल दिए हैं, बचत विवरण में मेरा नाम नहीं है। तो एक बात है, यदि सूची में मेरा नाम डाले गए हैं और विवरण में राजनीतिक संरक्षण और अधिकारियों का संरक्षण, तो जब यदि वहाँ वो नाम नहीं है तो यहाँ नाम है, तो जब मेरा नाम यहाँ डाल सकते हैं तो उन अधिकारियों का भी नाम डालना था, उसमें क्यों नहीं डाला गया? उन अधिकारियों का नाम क्यों नहीं है?
जब इस सूची में ईसाई वाला इसमें जब मेरा नाम है तो अधिकारियों भी नाम डाल सकते हैं। अब इसमें आप संबंधित ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अधिकारी गण, ओएसडी गण, अज्ञात निजी व्यक्तिगण, ये क्या है? एक एफआईआर में आप कांग्रेस जन लिखते हैं, कांग्रेस गण सबको लिख डाले इसमें। अब निजी, अब मेरे निजी में तो आप लोग भी आते हैं भाई, मेरे सबसे ज्यादा पत्रकारों में मेरे संबंध है मोहन भाई। इसमें किसी का नाम नहीं है इस बॉक्स में, है ना, इसमें मेरा नाम है, तो उस अधिकारियों का नाम इसमें आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि जानबूझ के बदनाम करने के लिए लोकसभा चुनाव है और इसी मुद्दे पे ये लोग चुनाव में जाएंगे। निशा जी, वही तो, अब आज ही देखिए, ये तो ऐसा है कि दिल्ली में एक वेबसाइट में प्रकाशित हुआ, वेब पोर्टल में, है ना, अब वो धीरे धीरे यहाँ फैलने लगा, पत्रकार फोन करने लगे, कुछ घर में आ गए, तो मैंने कहा पत्रकार वार्ता ही ले लेता हूँ, अभी तो अब एक एक जानकारी होती जाएगी तो वकीलों से बात करूंगा इसमें क्या हो सकता है नहीं हो सकता। सर, इससे आपका समय खराब नहीं होगा? ये तो मुझे बढ़िया प्रचार करने का मौका दे रहे हैं भाई, मीडिया हम लोग दिखते कहाँ हैं, है ना, वहां तो सब मोदी जी की गारंटी दिखाई देती है, चाहे टेलीविजन खोलो तब, चाहे प्रिंट मीडिया देखो तब, चाहे पोर्टल मीडिया देखो तब, सब में वही दिखाई देते हैं। वो तो आप लोग भी, जो प्रमुख जो पत्रकार हैं उनका भी पोर्टल देखो ना, तो विज्ञापन जिसके खिलाफ बोलते रहते हैं उसमें भी उसी की विज्ञापन आता है। हाँ जब वो तो मोदी वॉशिंग मशीन में धुल गया जैसे अजीत पवार धुल गए, है ना, जैसे नारायण राणे धुल गए, बहुत सारे नेता और धुल गए, अभी ताजा ताजा और नेता गए जो राज्यसभा में गए वो भी धुल गए, वैसे चिंतामणि महाराज भी धुल गए, अमरजीत का नाम है लेकिन चिंतामणि महाराज का नाम जी आप ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनको क्यों जरूरत पड़ गई, महादेव बंद क्यों नहीं करा रहे हैं, यही कह रहा हूं, मोदी की गारंटी विष्णु सुशासन, महादेव चल रहा है सांस आए, वही तो मैं कह रहा हूं क्यों बंद नहीं हो रहा है। खुशबू जी, मैं ये कह रहा हूं कि महादेव को भारत सरकार क्यों नहीं बंद कर रही है, डबल इंजन सरकार क्यों बंद नहीं कर रही है, कितना पैसा लिए हैं? मेरा आरोप यह है कि ये जैसे फ्यूचर गेमिंग से पैसा लिए हैं उसी प्रकार से महादेव से भी पैसा लिए हैं, तभी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, कितना लिए? अरे रहने दीजिए, मैं सुनिए, आज इसी के संबंध में, इसी संबंध में, ना 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 नहीं ना, अरे कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे निर्वाचन आयोग ने वेबसाइट में अपना कर दिया, इसको कम से कम दिखाएं तो, लोगों को बताएं तो, मीडिया क्यों नहीं बता रही है इसको, क्यों नहीं जितना सवाल मुझसे पूछ रहे हैं एक आध सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ लीजिए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ।